ध्यान और प्राणायाम कर रहे हैं। ध्यान मेरे दीर्घ ध्यान का लक्ष्य तो अलग है, इतनी सोना भी सोना है और इतना बोलेंगे तो वो सोना नहीं बोलते, वो भी सोना है। इसलिए आप 2 मिनट बैठते हैं वो भी ध्यान है, और 2 साल बैठ के तुरंत ध्यान रखते हैं वो भी ध्यान है। शास्त्र में, योग शास्त्र में जो ध्यान दिया है वो ध्यान तो अविच्छिन्न ध्यान, तैल धारावत अविच्छिन्न ध्यान है, दीर्घ ध्यान है जिसमें साक्षात्कार होगा। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो ध्यान की प्रवृत्ति है, वो तो ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान का फल तो नित्य है। यदि वो तो सापेक्ष होता है, ध्यान करने के बाद और दूसरा ध्यान करना पड़ेगा, वो सापेक्ष मिलने के बाद वो कैसे नित्य हो सकता है, इसलिए वो अनित्य है। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो सब प्रवृत्ति है, पहले प्रवृत्ति करेंगे, दूसरे तो हम प्रगति में चलेंगे, तीसरे हमको प्राप्ति मिलेगी। यह तो लक्ष्य है हमारा, गमन का लक्ष्य है प्रवृत्ति, प्रगति और प्राप्ति। कैसे शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, प्रवृत्ति में शुरू करना है। इसलिए पहले दिन जब आप आए हैं उसी दिन प्राप्ति आपका हाथ में कोई भी नहीं दे सकते, वो दे सकते फिर भी आप नहीं ले सकते। स्वर्ण है ना ऐसा वापी भारस्तु भार एवच, एक आदमी इतनी बड़ा भार, ये शीशा का भार नहीं तो एक पाषाण का भार डालता है आपके ऊपर, आप मर जाएंगे। उतना चांदी या सोना डालता है फिर भी आप मर जाएंगे। इसलिए अनुग्रह हो निग्रह हो, यदि वो तो बहुत भार होता है आप उसको नहीं ले सकते। इसलिए निग्रह से आपको नाश होगा, अनुग्रह से भी नाश होगा, यदि वो अनुग्रह आपका ग्रहण शक्ति से बहुत अतिरिक्त है, बहुत ऊपर है। इसलिए अनुग्रह भी बहुत कम कम लेना चाहिए, एक ही दिन में प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए प्रवृत्ति से शुरू कीजिए, प्रगति में चल जाइए, और प्राप्ति आपके हाथ में खुद आपको ढूंढ के आकर आपका हाथ में वो बैठे। इसलिए ये तो शास्त्र का धर्म। इसलिए यम और नियम के बिना अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य तो बहुत कुछ सामान्य धर्म है। ये अनुष्ठान के बिना ये आसन में बैठ रहे हैं, ये केवल शरीर विक्रिया है। इसलिए शास्त्र में बताया केवल शरीर स्वास्थ्यम, ऐसा एक अधिकार है, केवल शरीर स्वास्थ्य से 3 प्रकार का दोष हमको, वो पहला दोष स्थिरता नहीं है, केवल शरीर मात्र स्वास्थ्य होने से स्थिरता नहीं है, क्योंकि वो स्वास्थ्य 10-15 दिन रहेगा फिर मन का विकार से फिर अस्वस्थ हो जाते हैं आप, इसलिए स्थिरता नहीं मिलेगा, और सगुणता नहीं मिलेगा। सगुणता मैंने क्या है, एक आदमी शरीर मात्र सब ठीक है, एक आदमी जो दीर्घ मूर्छा में मूर्छित है वो आदमी का स्वास्थ्य चलेगा और शरीर तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो बात कुछ भी नहीं करेगा, ध्यान कुछ भी नहीं रखेगा। यदि एक आदमी का जो मांस पर्वत बोलते हैं ना, मांस पर्वत जैसा एक आदमी का शरीर मात्र बहुत सुलक्षण है और भाव शुद्धि नहीं है, गुण पूर्ति नहीं है, उसे क्या प्रयोजन है। इसलिए केवल शरीर स्वास्थ्य में यदि मनोभाव नहीं है, वो शरीर स्वास्थ्य आपको निरंतर नहीं होगा, तो पहला दोष। दूसरा तो केवल शरीर स्वास्थ्य होगा और मन की निर्मलता नहीं मिलेगी आपको। तीसरा तो उन्नति, आप ये स्थान में बैठे हैं इससे फिर दूसरे स्थान तीसरे स्थान ऐसे ऊपर चल जाना चाहिए ना। केवल शरीर स्वास्थ्य मात्र जो देखने वाले हैं उनको उन्नति में चलना, दूसरे तीसरे स्थान में चलना बहुत मुश्किल है, वो नहीं चल सकते। सणवर जी ठीक है छोड़ दीजिए, आप बैठिए, हम बोल के चल जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की अस्थिरता और गुणहीनता, गुणहीन हो जाता है, सिर्फ शरीर स्वस्थ होता है, ऐसा पशु पक्षी प्राणी है ऐसा शरीर स्वस्थ हो जाता है, फिर गुणों का प्रभाव नहीं होता है, वो तो असगुणता बोलते हैं, और उन्नति नहीं मिल जाती है। सिर्फ शरीर स्वास्थ्य तो जो देख रहा है उनको उन्नति नहीं होगी, मन और बुद्धि और आत्मा ऐसा उन्नति नहीं होगी। इसलिए केवल शरीर स्वास्थ्य तो हमेशा नहीं करना है। इसलिए योग शास्त्र में 2 बहुत बड़ा रहस्य आपको जानकारी होना चाहिए, एक तो शेष भंगवाद, दूसरा तो साराशनवाद। एक आदमी ने पूछा, यदि स्वामी जी हम अभी ये मनुष्य शरीर से ऊपर दिव्य और अप्राकृत शरीर लेने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं, योगाभ्यास अभी ये मनुष्य शरीर में कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, ये मनुष्य स्थिति में एक अच्छा मनुष्य होना चाहिए, अति मनुष्य होना चाहिए,
और इसके ऊपर दिव्य होना चाहिए, अप्राकृत होना चाहिए, भगवान से प्रलीन होना चाहिए। इसलिए हम ऊपर जाने के लिए ही ये योगाभ्यास कर रहे हैं। उसमें ऐसा बिल्ली कुत्ता मोर ऐसा जो हमारे नीचे बजाते हैं उनकी चेष्टा को क्यों अनुवर्तन करना है? योगासन में आप जिसको देख रहे हैं उसको क्या है? एक महान का आसन है, एक ज्ञानी का आसन है, विद्वान का आसन है, पंडित का आसन है। इस आसन है क्या? मार्जरासन है, सशासन है, मृगासन है, धनुरासन है, है? ये सब तो मनुष्य से नीचे जो पदार्थों है वो पदार्थों की आकृति का ये तुल्य अनुवर्तन है ना। ये मार्जर तो बिल्ली है और मनुष्य तो बहुत बिल्ली से ऊपर है। इतने ऊपर आके और ऊपर जाने के लिए और हमारी स्थिति से नीचे जाके उसका अनुवर्तन क्यों करना है? इसको बहुत लोग इसको समाधान नहीं दे पाए। इसको शास्त्र में बताते हैं साराशन न्याय और शेष भंग न्याय। ये बहुत बड़ा मुख्य समाचार। इतने साल से आप जो पढ़ रहे हैं उसकी सफलता ये ज्ञान सा ही अभी हो रहा है आज। साराशन मैंने जैसे मनुष्य की शक्ति है और दुनिया में सर्वशक्ति है, इसको क्या बोलते हैं? सर्वशक्ति। जिसमें मनुष्य की शक्ति बहुत कम है, मनुष्य को चैतन्य की शक्ति है। कुत्ता का जो ग्रहण शक्ति है वो मनुष्य के नहीं है, कुत्ता का जो ग्रहण शक्ति है वो मनुष्य के नहीं है, पतंगों का प्लवन शक्ति हमको नहीं है, और कमल और कच्छपों का जो जलांतक प्रवण का शक्ति वो शक्ति हमको नहीं है। इसलिए आप दो प्रकार की शक्ति को जानकारी अभी करना चाहिए, लेना चाहिए। चैतन्य की शक्ति मनुष्य के पास है, बुद्धि की शक्ति मनुष्य के पास है, और बाकी मनुष्य से अलावा जो जो पदार्थों की सृष्टि भगवान ने किए हैं, चेतनों की सृष्टि, वो सब में एक एक प्रत्येक शक्ति है, उपस्थित है। उसको देख के ही मनुष्य का यंत्रण और विज्ञान बढ़ जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको अनुवर्तन विद्या बोलते हैं संस्कृत में, और बायोमिमेटिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, विज्ञान में। ऐसा एक पतंग को देख के, वो पतंग का प्लवन प्रक्रिया को देख के ही ये विमान का परिकल्पना इन्हें की है। इसलिए समुद्र तरण में जो जो वस्तु दीक्षित है और लक्षित है वो वस्तुओं के शरीर आकार और प्रक्रिया को देख के ही ये नाव का सृष्टि की है। इसलिए सब शक्तियों को लेना और इसको प्रमाण रखना और इसका आधार पर कुछ वैज्ञानिक यंत्रों को बनाना तो मनुष्य की बुद्धि है, मनुष्य की चेतना है। इसलिए ही साराशन न्याय में बहुत प्रकार की शक्ति है, वो शक्ति का प्रतिमूल सब जानवरों में एक एक शक्ति का उपलक्ष्य है, उपस्थिति है। वहां हम वो रूप का अनुवर्तन करने के समय में वो रूप का जो गुण चेष्टा वो सब नहीं लेते हैं। इस आप जानते हैं हमारा राष्ट्र का चिन्ह, राष्ट्र का मृग, राष्ट्र का फूल, ये सब तो जानते हैं। इस तो साराशन बोलते हैं, इसमें सार मात्र हम ग्रहण करते हैं, सब चेष्टा नहीं ग्रहण करते हैं। इसलिए वो मार्जर का आसन करने से हम भी बिल्ली जैसा दूध पीते हैं, नहीं तो वो चेष्टा जो कपटकूट चेष्टा ये सब करते हैं, इसका मतलब तो ये नहीं है। बिल्ली को तो दीर्घ दृष्टि है, जो तो बोलते हैं थिमिर दृष्टि बोलते हैं, जो थिमिर, थिमिर जानते हैं ना आप, अंधकार। हाँ, वो अंधकार में भी देखने की समर्थता और वो तक्षता बिल्ली को है। ऐसा दीर्घ दृष्टि की वो स्थार भूत जो शक्ति है, वो शक्ति मात्र हम उससे लेते हैं, वो योगासन से ही ऐसा ले सकते हैं। आप मधु है, मधु कैसे पुष्प से ले सकते हैं? आप वो फूल से लेके वो मधुकर ने एक पेटिका में रखेगी, वहां से आप ले सकते हैं। इसलिए वो बिल्ली का जो गुण है, वो तिमिर दर्शन का गुण, वो बिल्ली का स्मरण करने में या जप करने में नहीं होगा। बिल्ली का जप करेंगे तो आप बिल्ली हो जाएंगे दूसरा जन्म में, और सारा ग्रहण नहीं कर सकते। योगाभ्यास में, यमनियम का अनुष्ठान में केवल तिमिर दर्शन या तो सूक्ष्म विवेचन का जो दृष्टि है वो शक्ति मात्र हम ले सकते हैं, उतना सामर्थ्य है। इसको साराशन न्याय बोलते हैं, जिसमें दुनिया में जितने प्रकार का जानवर है और वस्तु, लाइक धनुष बाण, ये सब तो वस्तु है, ये वस्तु भी हो, पदार्थ भी हो, जानवर भी हो, पक्षी भी हो, जो जो हम देख के अनुवर्तन कर रहे हैं उसका सार मात्र जो विवेक गुण है, विशिष्ट गुण है, उसको मात्र ग्रहण करने की योग्यता ये योगासन में यम नियम पूर्वक योगासन में हमको मिल जाता है, इसलिए कर रहे हैं। पहला अर्थ, शेष भंगवाद न्याय तो बहुत बड़ा विचार है। हमारा शरीर में जितने पाप किए हैं, इसलिए हम अभी जो भावी जन्मों में जो जो शरीर हमको मिल जाता है,
इसका निश्चय नहीं है कि मानुष्य शरीर हमको मिलेगा। जितने हमने